हम आपको दो पेशेंट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, वन इज़ 7 ईयर ओल्ड एंड अनदर इज़ 88 ईयर ओल्ड। बिल्कुल अलग अलग उम्र का है, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं। एक पेशेंट में हम एक बच्चे के हिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिप को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी दिनों से उनके पेरेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और बच्चा ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हिप ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली बच्चे को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा केस है जिसमें 88 ईयर ओल्ड माताजी हैं जिनको लगभग 7 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था हिप में। उसमें भी अटेंडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर्जरी कराएं या ना कराएं। ये कन्फ्यूज़न इन्हीं एज ग्रुप्स में होता है। तो 88 साल की माताजी बेड पर हैं पिछले 7-8 महीने से, और अब जाकर जब हमने उनसे बात की, उनको समझाया कि ये ठीक हो सकते हैं, इनके हिप को दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये पेशेंट फिर से अपने पैरों पर चल सकते हैं, तो अब वो उनको सर्जरी के लिए लेके आए हैं। लकीली अभी तक कोई बेड सोर या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। तो इन दोनों पेशेंट से हम आपको मिलाते हैं कि कैसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम फ्रैक्चर कैसे डील करते हैं। आ जाओ। चलो चलो यहाँ तक आइए, फिर चलिए। आ जाओ। इधर आइए। कैसे? कैसे गाड़ी चलते हो? पहले जब छोटा हुआ था हाँ, कैसे हुआ था? अच्छा, पहले ऐसे चलते थे, अब ठीक चलने लग गए। लेकिन अभी तो आप लंगड़ा के चल रहे हो, पता नहीं चल रहा ना आपको। चलो दौड़ के जाओ वहां तक, वापस आइए। तो तेज नहीं दौड़ पाता? और तेज दौड़ो, और तेज। आइए। हाँ, थोड़ा बीच में। क्या हुआ? अंगूठा मुड़ गया। लेकिन थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा के दौड़ रहा है, पूरा नॉर्मल नहीं दौड़ रहा है ये। ओके। आपको कोई चोट लगी है? आप गिरे थे पहले? यहाँ कोई दर्द हुआ था? नहीं। लेफ्ट साइड में था ना? आपको याद नहीं है कि कोई चोट लगी है आपको? लगता तो बताते पर लगा नहीं। लगा नहीं कभी? तो बस आपने 1 महीना पहले देखा कि बच्चा लंगड़ा रहा है, तो आपने एक्सरे कराया। ओके, आइए उधर आइए। तो 7 साल एज इनकी। हाँ, तो 7 साल की एज में ही अगर डिफरेंस देखें तो आप देखिए अराउंड 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसको अगर हम अभी छोड़ देते हैं ऐसे, तो ये बढ़ते बढ़ते जब तक ये लंबाई पूरी होगी 3-4 इंच तक हो जाता है ये। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि इसी हिप को, जो नेचुरल हिप है, इसी को बचाएं हम, ताकि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो सके और कभी भी इनको बाद में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसको मोड़ के दिखाओ बेटा, घुटना मोड़िए। वेरी गुड। कोई दर्द नहीं है? वेरी गुड। और अभी से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें, पैर हल्का सा पतला है ये। तो ये सही समय है कि बच्चे को संभाल लिया जाए अभी, ताकि लंबाई भी बराबर रहे और पैर पतला भी ना पड़े। और उसके बाद क्या होते हैं, बच्चे को तो पता नहीं चलता है, जब तक ये 14, 15, 16 साल के होते हैं तब दिखता है वो डिफरेंस, और तब मुश्किल होती है क्योंकि बच्चों को फिर मान लो कहीं जॉब करना है, सर्विस में जाना है, या कोई अभी सर सही हो जाएगा? अभी सही हो जाएगा। ठीक है जी। आए सर बहुत दूर से, बस आपका नाम सुन। नहीं, कहाँ रहते हैं आप लोग? बिहार से। सर किस जगह? लखीसराय जिला से, पटना से। अच्छा, ठीक है जी, ठीक कर दें आपको। हैं, या पहले ही ठीक हो आप? तो कुछ खराबी तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो। दर्द सर कभी अभी बताया? अभी भी दौड़ता है, खेलता, कुत्ता बताता नहीं दर्द। हाँ, बच्चे ना इतना ध्यान नहीं देते जब तक बहुत तेज दर्द ना हो। ठीक है, ठीक है। तो रामरति जी के साथ हम हैं, रामवती, रामरति, नालंदा बिहार से आए हैं। इनकी उम्र 88 साल है जी। और इनको 6-8 महीने पहले चोट लगी थी। 6 महीना सर। कैसे गिर गए थे? ऐसे ही बेड पर सोई हुई थी, हाँ, उठी हाँ, और मैं साथ सोई हुई थी। मैं उठ करके पहले बाथरूम चली गई और ये देखी कि है नहीं, ये भी उठी तो तलमला करके गिर गई बेड पर। अच्छा, उठने के बाद गिर गई। उसके बाद खड़े नहीं हो पाए खुद? नहीं। अच्छा, आपको कितने दिन बाद पता चला कि इनको फ्रैक्चर है कूल्हे में? तो तुरंत पता चल गया। तुरंत पता चल गया। इलाज क्यों नहीं कराया? लोग कहे कि इतना उम्र में प्लास्टर कैसे करवाए, कैसे बनाए वो। नहीं, आपको ये किसने कहा कि प्लास्टर लगाना है? तो शरीर तो जानते नहीं थे।
खाने के बाद मुझे पता चला। जी जी, बस 15 दिन पहले पता चला है सर। आपको उससे पहले ये नहीं पता था कि ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं? नहीं, नहीं पता। तो दिस इज बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस वन। 16 अप्रैल को ही गिरी। हाँ, और दूसरा ये भी होगा ना, आपको किस उम्र में ऑपरेशन कराएंगे, हाँ, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। नहीं, ऑपरेशन नहीं, मतलब ऑपरेशन में डॉक्टर वहाँ दिखलाए बिहार से। हाँ, तो बोले कि ऑपरेशन कर करके, हाँ, 15-20 दिन पहले रहना पड़ेगा, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा उसका प्लास्टर करेंगे। अच्छा, तो लोग कहे कि प्लास्टर करवा दीजिएगा, 23 उम्र में बेड सोर हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। कैसे लेटी रहेगी? तो ये एक बेसिकली एक हमें अपॉर्चुनिटी है लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की, कि हिप फ्रैक्चर में कभी भी प्लास्टर नहीं लगता, पहली चीज़। और दूसरा, आजकल सर्जिकल टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है कि पेशेंट को बेड रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट पहले दिन से ही खड़ा हो सकता है, चल सकता है। ठीक है, खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी ये चल पाएंगे आराम से। नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि 6 महीने से बेड पर हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो थोड़ा सा जो पहले दिन हो सकता था उसमें हो सकता 15 दिन लगे, हमें 20 दिन लगे, पर यह है कि बैठना, चेयर पर बैठना, 10 कदम चलना, ये शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। इतना ही की जरूरत? हाँ, अपने से बाथरूम चले जाएं, अपने इतना ही की जरूरत, और क्या करेगी इस उम्र में। जी 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 जी, वो भी काफ़ी है, थोड़ा चल लेंगे तो इनके लिए भी आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, कल करते हैं फिर। ठीक, तो ये 2 तरह के पेशेंट हैं हमारे, 1 is 7 year old एंड अनदर इज 88 year old, और इनका ट्रीटमेंट का जो हमारा पर्पज़ है बिल्कुल अलग है। बच्चे में जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि इनका नेचुरल हिप हमें प्रिजर्व करना है, ताकि बाद में रिप्लेसमेंट ना करना पड़े। एल्डरली पेशेंट में, 88 साल की माताजी है, उसमें हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को बेड से बाहर निकालना है, उनको चलाना है, उनको वॉक कराना है, ताकि उनको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बच्चे के केस में चाहे हमें कुछ महीने तक या कुछ हफ्तों तक बच्चे को बेड पे रखना पड़े, वी डोंट माइंड, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं बेड पे लेटने को। लेकिन बुज़ुर्ग आदमी में अगर ज़्यादा वक्त तक बेड पे रहेगा पेशेंट, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे के केस में हिप को अभी ग्रो करना है, इनकी लेग की लेंथ को ग्रो होना है, तो अगर नेचुरल बोन रहेगी तो इनकी लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल रहेगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माताजी के केस में, 88 ईयर ओल्ड केस में, हमें फ्रैक्चर को यूनाइट करने की ना कोई उम्मीद है ना हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें हम इमीडिएटली रिप्लेस करेंगे, तो बिल्कुल प्रिंसिपल अलग है। तीसरी चीज़, हमें जो भी सर्जरी करनी है वो इस तरह से करनी है कि दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो। तो बच्चे का हिप को हम इतने अच्छे तरह से फिक्स करेंगे कि ये हिप लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करें। और एल्डरली पेशेंट जो 88 ईयर ओल्ड माताजी हैं, उनके केस में हमने ऐसा हिप डालना है कि उसमें रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। लास्ट, जो एल्डरली पेशेंट हैं, क्योंकि 6-8 महीने से बिस्तर पर हैं, तो बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी है। आमतौर पर जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, वो ये है कि अगर बोन ऑस्टियोपोरोटिक है तो उसमें सीमेंटेड इम्प्लांट डालना चाहिए, बट वी हैव चेंज दैट कंसेप्ट कम्प्लीटली नाउ। वी आर नॉट यूजिंग सीमेंट, बिकॉज सीमेंट इज़ ए कार्डियोटॉक्सिक मटीरियल। अगर सीमेंट यूज़ करेंगे ख़ासतौर पर ऑस्टियोपोरोटिक बोन में, तो देर आर हाई चांसेस कि उनके हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है, पेशेंट को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो हम इनमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करेंगे। तो अब हम एक्सरे देखते हैं। ये आरव का केस है, जिनकी उम्र 7 साल है, लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं है कि इनको कोई इंजरी हुई थी या गिरे थे, बट हेड की जो शेप मेंटेन्ड है, दैट मीन्स कि दिस हेड इज़ सर्वाइविंग। लेकिन अगर आप एंगल देखें तो यहाँ पर एंगल ऑलमोस्ट 135 डिग्री है, पर यहाँ पर एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो हमें इस एंगल को भी चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर ऑस्टियोटमी करना होगा ताकि इसका एंगल बिल्कुल ठीक हो। बच्चे की लेंथ में 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी कमी आ चुकी है, वो इससे आगे ना बढ़े, हेड सर्वाइव करे, हमारा पर्पज़ रहेगा आरओ के केस में। ये हैं हमारे जो दूसरे पेशेंट हैं, रामरती देवी, जिनकी उम्र है 88 साल। इसमें आप देखेंगे ये इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर के इमीडिएटली बाद का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे टिपिकल इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, और इसमें उम्मीद की गई कि इनको बेड रेस्ट कराएंगे तो शायद फ्रैक्चर जुड़ जाएगा, लेकिन ये 8 महीने बाद जब हमने इनका एक्सरे किया है तो फ्रैक्चर अभी भी नहीं जुड़ा है, और एंगल भी वो 90 डिग्री हो गया है, जैसा कि हमने आरव के केस में देखा था। नॉर्मल एंगल ये देखिए अराउंड 130 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, और ये फ्रैक्चर लाइन आप अभी भी देख पा रहे हैं।
तो इसमें अब हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम इसमें प्लेट लगाएंगे या स्क्रू लगाएंगे और ये फ्रैक्चर यूनाइट करेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए अननेसेसरी सर्जरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ हेड को निकालना है, इसको रिप्लेस करना है, बट वी विल बी यूजिंग ओनली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट। तो कहने का मतलब यह है कि एज ग्रुप अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो इसलिए हमारा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल भी बिल्कुल अलग रहेगा। ये रामरति जी का हम सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं जिसमें हमने ये इम्प्लांट यूज़ किया है, हिपिन का रिप्लेस किया है, बट द बेस्ट थिंग इज कि हमने कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज सीमेंट से पेशेंट के हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। दिस इज़ ए नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट एंड पेशेंट विल नॉट बी एबल टू पुट वेट ऑन इट, क्योंकि अब पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है और हमने इनको MIS टेक्निक से किया है, तो इसमें कोई हमने इनकी कैप्सूल लिगामेंट्स या मसल्स को किसी चीज़ को डैमेज नहीं किया है। तो इनका बोन थोड़ा वीक जरूर है, लेकिन जैसे जैसे वेट डालेंगे, क्योंकि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, तो बोन उतना ही स्ट्रॉन्ग होकर इस इम्प्लांट को ग्रिप कर लेगा। ये आरंभ का हम सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं। पहले इनका जो एंगल था वो 90 डिग्री था, यानी कि इनका इस तरह से था, अब इनका एंगल ये बन गया है। तो अगेन जैसे इस तरफ एंगल है वही एंगल हमें इस तरफ मिल गया है, तो अब इनकी बोन की ग्रोथ प्रॉपर होगी। ये एंगल हमने यहाँ बनाया है जिसके ऊपर प्लेट लगाई है, ये देखने में इनिशियली तो ऐसा लगेगा कि बहुत टेढ़ा है पैर, लेकिन जैसे हम प्लेट निकाल देंगे कुछ एक साल के बाद, तो ये धीरे धीरे रिमॉडलिंग हो जाती है और काफ़ी हद तक बच्चों का स्ट्रेट हो जाता है। तो ये एंगल लाना जरूरी है, अगर एंगल वही 90 डिग्री ही रहता तो बच्चे को बाद में दिक्कत आती और इनको हो सकता है हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती और या फिर पैर को लंबा करने की ऑपरेशन करना पड़ता। अभी इससे दोनों ही चीज़ें एक साथ करेक्ट हो रही हैं इनकी, तो ये सर्जरी इज़ मैंडेटरी। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे को आप लिंप कर रहा है बच्चा, चाहे चोट ना भी लगी है, अगर बच्चा लिंप कर रहा है, पैर में कोई लेंथ में कोई डिफरेंस है, तो इमीजिएटली यू शुड कॉन्टैक्ट योर सर्जन।